वेलकम बैक इलेक्ट्रिक इंडिया यूट्यूब चैनल। टू व्हीलर सेगमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल की जुलाई मंथ की रिपोर्ट आ चुकी है। जुलाई मंथ में 39,755 के अप्रोक्स टू व्हीलर यूनिट्स बिकी हैं, जो पिछले मंथ यानी जून में 38,693 के अप्रोक्स बिकी थी, उससे 3-4% एक्स्ट्रा यूनिट्स अब की बार जुलाई के मंथ में सेल हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसने अपनी पोजीशन होल्ड की है, किसने अपनी पोजीशन खो दी है और किस इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में किसने लोगों का भरोसा खोया है और किसने बाजी फिर से मारी है। तो 10वें नंबर पर आती है ओकाया, जिसने पहली बार टॉप 10 सेगमेंट में एंट्री मारी है। लास्ट मंथ तक यह 11th 12th पोजीशन के आसपास रहती थी। इसने जुलाई के मंथ में 1076 यूनिट्स सेल की हैं। जून के महीने में इसने 761 यूनिट के आसपास सेल की थी। इसकी ग्रोथ +41% के अप्रोक्स रही है। और अगर इसके लास्ट मंथ की रैंक की बात करें तो 11th पर थी, जो अब के बाद 10th पर आ गई है। ओकाया ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। ओकाया ज्यादातर बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है जो हम होम इन्वर्टर में यूज करते हैं। 9th नंबर पर बैंडिंग आती है। इसने जुलाई के मंथ में 1167 के अप्रोक्स यूनिट सेल की है, जबकि जून के मंथ में इसने 954 यूनिट्स के अप्रोक्स सेल किया था। इसने अभी अपनी सेल में जुलाई के मंथ में अप्रोक्स 22% का इजाफा किया है। लास्ट मंथ में 10th रैंक पर था, जिसने अब की बार एक पायदान ऊपर आकर 9th रैंक हासिल कर ली है। 8th नंबर पर आता है एथर। इसने तो अपनी 3 पोजीशन लगातार नीचे की है। इसने जुलाई के मंथ में 1286 यूनिट को सेल किया है, जबकि इसने जून के मंथ में 3797 यूनिट्स को सेल किया था। इसे मंथ ऑन मंथ सेल में -66% का नुकसान हुआ है। लास्ट मंथ यानी जून में इसकी रैंक 5th थी, जो अब की बार 8th पर आ गया है। एथर को यह नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि एथर अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने जो अपनी पुरानी बुकिंग थी उसको कैंसिल कर दिया था या होल्ड कर दिया था, ताकि वो आने वाले नए स्कूटर में अपना पैसा लगा सके और उसको परचेज कर सके। तो यह एक कारण हो सकता है। 7th नंबर पर आता है रिवोल्ट। इसने जुलाई के मंथ में 2317 यूनिट्स के अप्रोक्स सेल किया है, जबकि जून के मंथ में इसने 1419 यूनिट्स सेल किया था। इसने अपनी सेल में इजाफा ही किया है। अगर इसकी ग्रोथ को देखें तो 63% इसने ग्रोथ किया है और यह लास्ट मंथ में 8th पर था, जो अब की बार 7th रैंक पर आ गया है। इसने अपनी पोजीशन में सुधार किया है। 6th नंबर पर आता है हमारा प्यारा बजाज। इसने जुलाई के मंथ में 2433 यूनिट्स सेल की हैं, जबकि इसने जून में 1781 यूनिट्स ही सेल की थी, यानी इसकी ग्रोथ भी पॉजिटिव में रही है। इसकी ग्रोथ में 36% के अप्रोक्स इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ी है। यह लास्ट मंथ में 7th रैंक पर था, जो अब की बार 6th पर आ गया है। इसे भी फायदा हुआ है जुलाई के मंथ में। तो 5th नंबर पर हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान, जो कभी पहले नंबर पर रहती थी ओला, उसने 5th पोजीशन पर जुलाई मंथ में सेल किया है। इसने जुलाई के मंथ में 3,859 यूनिट्स को सेल किया है, जबकि जून के मंथ में इसने 5,869 यूनिट्स को सेल किया था। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की देखें तो मंथ ऑन मंथ इसकी -34% ग्रोथ रही है, यानी इसकी सेल में गिरावट तो आई है और यह लास्ट मंथ 4th रैंक पर था, जो अगली बार 5th पर आ गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जुलाई के लास्ट वीक में इसने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था। कुछ का कहना है कि यह ईयरली मेंटेनेंस की वजह से है, कुछ का कहना था कि इसकी बैटरीज में जब आग लगती है तो उसकी वजह से कंज्यूमर खुश नहीं है, तो उन्होंने अपनी डिलीवरी कैंसिल कर दी है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट आपके सामने है कि इसकी सेल में बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ है। 4th नंबर पर आता है टीवीएस। इसने जुलाई के मंथ में 4,258 यूनिट्स को सेल किया है, जबकि इसने जून के मंथ में 1,936 यूनिट्स को सेल किया है। इसकी मंथ ऑन मंथ अगर हम ग्रोथ देखें तो 119% इसकी सेल में इजाफा हुआ है, यानी इसकी सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। यह लास्ट मंथ 6th रैंक पर था, जो अब की बार 4th पर आ गया है। टीवीएस का नया iQube S, ST, ये जो इसके स्कूटर हैं, इसने
मार्केट में अपना कदम रखा था उसके बाद इसकी सेल में इंक्रीज होने लगा है। थर्ड नंबर पर आता है एम्पियर, इसने जुलाई के मंथ में 6,313 यूनिट्स को सेल किया था, जबकि इसने जून के मंथ में 6,534 यूनिट्स को सेल किया था, यानी इसकी सेल में गिरावट आई है मंथ ऑन मंथ की अगर हम बात करें तो -4% इसकी मंथ ऑन मंथ में गिरावट आई है। लास्ट मंथ ये सेकंड रैंक पर था जो की बार थर्ड पर आ गया है। सेकंड नंबर पर आता है ओकिनावा, इसने जुलाई के मंथ में 8,093 यूनिट्स को सेल किया है, जबकि जून के मंथ में इसने 6,976 यूनिट्स को सेल किया था। वहीं इसकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो इसने 16% का अपनी सेल में इंक्रीज किया है, यानी इसे फायदा हुआ है 16% का। लास्ट मंथ यानी जून में यह फर्स्ट रैंक पर था जो के बाद सेकंड पर आ गया है। फर्स्ट पोजीशन पर हीरो इलेक्ट्रिक फिर से अपना दबदबा बना चुका है, इसने जुलाई के मंथ में 8,953 यूनिट्स को सेल किया है, जबकि जून के मंथ में इसने 6,486 यूनिट्स को सेल किया था। वहीं इसकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो 38% इसकी सेल में इजाफा हुआ है, यानी इसे फायदा हुआ है, और ये लास्ट मंथ थर्ड रैंक पर था जो की बार फर्स्ट पर आ गया है। तो ये थी जुलाई महीने की टू व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सेल की, किसने कौन सी पोजीशन होल्ड की है, किसकी पोजीशन में गिरावट आई है, किसकी पोजीशन ऊपर हुई है। तो काफी कंपनियों को अपनी पोजीशन में नुकसान हुआ है, कुछ को फायदा हुआ है, कुछ अपने ग्राहकों का विश्वास बनाने में कामयाब रहे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड और न्यूज के लिए आप हमारे इलेक्ट्रिक इंडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।